हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास तक हम लोग ने क्या सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चा दो पार्ट थे, जैसा आपको ऑलरेडी पता है। एक पार्ट जो हमारा था दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नाउ दिस इज अ टाइम फॉर योर सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो हमें आज पढ़ना है, जो आप सीखने वाले हो। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको चार लेक्चर में कंप्राइज किया गया है, ठीक है। सो दिस इज वेरी फर्स्ट लेक्चर, बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 16 होगा। दिस इज गौरव अग्रवाल, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आगे की बातें करते हैं। चैप्टर नंबर 16 है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो रेडी गाइज, शुरू करते हैं। आज के टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम सीखेंगे, होता क्या है इनमें। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, किसी डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को कैसे निकालना है, इसके बारे में बातें करेंगे। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पहले सीख चुके हो, ठीक। आज हम लोग डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल पे, इक्विटोरियल पे, सारी जगह पे, ठीक। तो शुरू करते हैं अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपके जहन में हो, आप क्लास 10th में ऑलरेडी इस बात को पढ़ चुके हो, आपके क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है उसको किसी एक फिक्स पॉइंट से, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, अपना पेन पेपर रख दीजिए आराम से, इत्मीनान से सुनो, ठीक। एक कोई फिक्स पॉइंट चार्ज है उसको किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे फिक्स पॉइंट तक, पॉइंट शुड बी नोटेड गाइस, किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे फिक्स पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे दो टर्म है, यहां पे देखिएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चों में क्या होता है ना बेटा, कंफ्यूजन होता है कि सर वो भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, बट दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वर्ड का। मैंने अभी जब आपको एक समझाया डेफिनेशन, तब भी मैंने आपको एक पॉइंट फोकस किया है, इफ यू नोटिस दैट पॉइंट, मैंने आपसे बोला था किसी एक फिक्स पॉइंट से, यहां पे देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस भी डेफिनेशन भी मैंने आपको दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी दिया है। आपके फोन की, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है, दैट इज फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी स्क्रीन पे, जो आप एग्जाम में लिखने वाले हो, और जो मैं बोल रहा हूं वो आपके समझने के लिए। मैंने आपसे बोला किसी एक फिक्स पॉइंट से, ले मान लीजिए पॉइंट ए है, किसी एक फिक्स पॉइंट बी तक अगर किसी आप चार्ज को लेके आते हो तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, बट आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इनफाइनाइट से किसी एक फिक्स पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके आते हो तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि बेटा हम ये बात जानते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले, कि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। क्यों होती है, हमारे साथ रहिए, अभी हम लोग इसको धीरे से अभी आगे फिर 10 मिनट बाद समझेंगे कि आखिर हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछ ले इन जनरल कि ठीक है बेटा तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, हाउ कैन यू प्रूव दिस, आई कैन प्रूव दिस, वी कैन प्रूव दिस। हम लोग अभी बस 5-10 मिनट में इसको प्रूव करने वाले हैं कि हाँ इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। सो अभी इतनी बात समझ में आया, दो टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज को किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे फिक्स पॉइंट तक लाने में
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों के एक्सप्रेशन आपके पास है एंड यूनिट इज वोल्ट, या एक यूनिट और होती दैट इज जूल पर कूलम्ब। ठीक, एमसीक्यूज में एनआईयूएस के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों ऑप्शन में से कोई भी आपके पास हो आप आराम से टिक कर रहे, अगर टेंशन नहीं है, ठीक है, इजी रहता है यार ये सब। नाउ अवर अनदर टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहां पर थोड़ी सी चीज नोटिस करने लायक है, वो नोटिस क्या करना है, इस फिगर को देखिए जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यहां पे पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक, एक कोई पॉइंट चार्ज है से क्यू नॉट जो इनफाइनाइट से धीरे 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 किसी एक पॉइंट पे आ रहा है, मान लीजिए सी पे आया, फिर बी पे आया, फिर ए पे आया, फिर पी पे आया एंड सो ऑन। ठीक, मान ले रहा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो पी पे है, तो अब इस पी पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीजें निकालना है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहले भी पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो स्टे फोकस गाइस, इधर उधर माइंड डाइवर्ट मत कीजिएगा, ध्यान से इस डेरिवेशन को देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग, ओके चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ टिप फॉर द टुडे, टिप ऑफ द डे आपके लिए ये है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेरिवेशन करना होगा तो हमारा फोकस होना चाहिए वर्क डन निकालने पे। क्यों होना चाहिए वर्क डन पे, यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक ही तो फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज में हम कुछ खेल सकते नहीं, अल्टीमेटली हम मजबूर है, हमारे पास रास्ता क्या है कि हमको वर्क डन निकालना ही पड़ेगा। तो आवर फोकस इज टू फाइंड वर्क डन, एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान ले रहा है डिस्प्लेसमेंट ले रहा है आरपी, आरएपी, ए से पी तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज, ठीक, ये होता है। ध्यान से देखिएगा, बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में आपके दिया गया ये डेरिवेशन, मैं इजिएस्ट बता रहा हूं आपको। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब फोर्स की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, तो बच्चा हम जानते हैं फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0qq0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक, ये हो गया, फोर्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर रहा हूं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन नंबर वन, वर्क डन इक्वल टू 1/4πε0qq0/r² × rAP। आरएपी है क्या, ध्यान से देखिए, आरएपी ये डिस्टेंस हुई, क्या इस डिस्टेंस को हम RAP इक्वल टू RP माइनस ऑफ R लिख सकते हैं क्या, देखिए सॉरी RA माइनस ऑफ R, यहां पे देखिए, नाउ अवर वर्क डन इज 1/4πε0qq0/r² × rA − rP, दिस इज RAP, वही डिस्टेंस लेके चलते आ रहे हो आप, डन, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कुछ नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, क्या कोई जुगाड़ हो सकता है अभी अपने पास, क्या कोई आइडिया है, क्या कुछ किया जा सकता है, तो हाँ बच्चा यहां पे किया जा सकता है, इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, और वो सॉल्व करके देखिएगा
वर्क डन इक्वल टू 1/4πε0qr ये काम हम कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, दिस इज आर ए, मतलब इस पॉइंट चार से इसकी डिस्टेंस पॉइंट ए के और इस पॉइंट चार से पी के बीच की डिस्टेंस आर हुई। ये काम किया हमने, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर टू, वर्क डन आ चुका है अपने पास। अब क्या करेंगे हम, अब हम आराम से लिखेंगे, सर वी नो दैट, वी एपी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी वी एपी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, 1/RA माइनस ऑफ 1/R। डन, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, ऑल ओके? ठीक, अब देखिए, अभी यहां पे देखिए थोड़ा सा हमको प्रूफ करना था 1/4πε0qr, मतलब हमको पोटेंशियल का टर्म निकालना था और हमने निकाला क्या हुआ है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क ही क्या है यार, केवल इतना ही तो फर्क है, हमने यहां पे a से p लिया, वहां इनफाइनाइट से p लोगे, इतना ही काम तो करना है। ले लो, जब a से p लिया था तो ये एक्सप्रेशन आया, जब इनफाइनाइट से p लोगे तो मतलब ये जो आर ए की वैल्यू है इसको इन्फिनिटी रखोगे, और 1/∞ क्या होता है, जीरो। ठीक, तो यहां पे हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1/4πε0 q/-r। अब वो माइनस साइन बच्चा पता है क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने यहां पे 1/RA-1/R लिखा है, ये छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू हो गई है। अगर हम यहां पे ये काम कर देते तो यहां पे माइनस साइन नहीं मिलता, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड वही आता, नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है भाई, एक हम जानते हैं 3-2 करेंगे तो 1 आएगा, वही अगर 2-3 कर देंगे तो ऑफकोर्स -1 आता है, क्योंकि छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू कर रहे हम। ठीक, तो कोई फर्क नहीं है, बल्कि सेफ साइड के लिए आप ये कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और अगर पहले वाला भी किए हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आपको तब भी मिल रहे हैं। ठीक, बस माइनस साइन आएगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने चेंजेस किए ताकि आप ये काम बड़े इजिली कर सके। ठीक, कोई तकलीफ आई होप नहीं होगी, अगर होती है देन आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, वरना क्लास के लास्ट में आपको स्क्रीन पर भी मैंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अवर थर्ड टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी भी चैप्टर में पढ़ो, आप बुक 1 के किसी मॉड्यूल में पढ़ो, आप बुक 2 के किसी मॉड्यूल में पढ़ो, सब में सेम है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट मी शो यू हाउ। एक ये पॉइंट P है, ठीक, अब ये पॉइंट P देखिए कितनी चार्जेस से घिरा है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक, Q1 की वजह से कुछ पोटेंशियल आएगा इस पे, ठीक, मान ले रहे V1 आ रहा है, क्या आएगा, 1/4πε0 Q1/R1, V2 की वजह से 1/4πε0 Q2/R2 एंड सो ऑन। तो अब यार मैं आपसे बोलूं, एक बंदा है, इससे 10 रुपए लेता है, इससे 20 लेता है, इससे 30 लेता है, इससे 40 लेता है, इससे 50 लेता है, उसके पास टोटल मैं आपसे पूछूं कितने रुपए हुए, आप क्या बोलोगे यार, कि सर सिंपली उठाइए सबको ऐड कर दीजिए, अपना काम खत्म, हमको पता होगा कितने रुपए होंगे। ठीक, यही काम करना है। टोटल पोटेंशियल बच्चा कितना, That is V1+V2+V3+ up to Vn, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे,
उतने चार्जेस में सबका सम कर लोगे, हमको नेट पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आर यू गाइस ओके? यही चीज जब वेव में पढ़ते हैं वहां भी यही रहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर एंड सो ऑन। यही जब इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ते हो एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एंड सो ऑन। यही जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हो वहां भी यही रहता है यार, ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन। चीजें वही है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है। और आपको ये चीज समझनी होगी ताकि एक जगह आप याद करो, उठा के कॉपी पेस्ट मारते चले जाओ, किसी भी चैप्टर से आए लिखना वही है, मार्क्स हमको हर केस में मिलने हैं। ठीक है ओके, इजी था। यहां पे ऑलरेडी आपको मेंशन करके दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, नाउ द लास्ट डेरिवेशन फॉर टुडेज लेक्चर विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखिएगा। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। आपको प्रीवियस चैप्टर में ये बात सिखाया गया था कि अगर दो चार्जेस आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट साइन के हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड, चार्जेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, और वो किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, देन सच सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां फिगर देखिए, हमने एक डाइपोल लिया है ए बी, मान लेते हैं हमको, चलो ये प्रूफ करना है, ठीक, मान लेते हैं कि जो डायपोल ए बी की लेंथ है वो 2a है। ठीक, अब ये पॉइंट P है, आप अगर ध्यान दो तो ना ही ये एक्सियल है ना ही क्यूटोरियल है बच्चा। एक्सियल मतलब होता है अलोंग x एक्सिस, है नहीं। इक्यूटोरियल का मतलब होता है अलोंग y एक्सिस, है नहीं। बीच में समवेयर सम काइंड ऑफ एक्स वाई प्लेन। ठीक, ये डिस्टेंस r है, ये r1 है, ये r2 है, तो बच्चा ये बताओ इस पॉइंट पे P पे नेट पोटेंशियल कितना होगा। नेट पॉइंट पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा कुछ पोटेंशियल A की वजह से और कुछ पोटेंशियल B की वजह से, है ना। अब A की वजह से बेटा कितना पोटेंशियल होगा, 1 अपॉन 4 पाई सर एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन A से P के बीच की डिस्टेंस। फिगर में देखिए आपको गिवन है दैट इज R1। ठीक, B पे आते हैं, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। अब क्या करोगे बच्चा, थोड़ा सा आप सोचो, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मत करिए। अब आपको पता है हमारे पास VA है, हमारे पास VB है, हमको नेट पोटेंशियल चाहिए, क्या करना चाहिए, उठा के इसमें वैल्यू डाल देना चाहिए। जब आपको लगता है तो डालो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q कॉमन आएगा क्या, ध्यान दीजिए, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ बच्चा अब प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि हाउ कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, हाउ कैन वी फाइंड। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया गया है। क्या है कंस्ट्रक्शन, आई विल टेल यू। पॉइंट P से ये लाइन ड्रॉ किया गया, ये वाली, ठीक यहां तक। फिर पॉइंट ए से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया सच दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से भी पॉइंट पी ड्रॉप किया गया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और एट एन एंगल थीटा विथ सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक, यहां पे हम अजम्पशन लेते हैं ये है कि डाइपोल इज वेरी स्मॉल, डाइपोल बहुत स्मॉल है, तब हम क्या करेंगे, हम R1 को नियरली इक्वल टू बोलेंगे PC एंड R2 को नियरली इक्वल टू बोलेंगे PD। भाई देखिए क्यों,
क्योंकि जब ये डिस्टेंस बच्चा बहुत छोटी होगी तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस, और जब ये डिस्टेंस भी बहुत छोटी होगी देन दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। अब हमारा जो काम है वो है PC और PD की वैल्यू को निकालना। ठीक, अब देखिए PC अपने लोग कैसे निकालेंगे, क्या हम यहां पर देखिए PC को हम PO प्लस OC लिख सकते हैं क्या? अगर हम PC को PO प्लस OC लिखते हैं और PD को PO माइनस OD लिखते हैं तो PO की वैल्यू हमको गिवन है R, यहां पे देख लीजिए PO की वैल्यू R है और PC OC OC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दिस इज A बच्चा, यहां पे देखिएगा दिस इज A, तो क्या हम OC को A cos थीटा बोल सकते हैं? बेस ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल इज cos थीटा। PC मिल गया हमको R प्लस A cos थीटा और PD मिल गया हमको R माइनस ऑफ A cos थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डेरिवेशन इस अजम्पशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यानी अब हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू R प्लस A cos थीटा और R2 is equals to R minus of A cos theta। R2 की वैल्यू कहां रखोगे? इक्वेशन नंबर वन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन B is equals to Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon R2 1 upon R minus A cos theta minus यहां देखिए R plus A cos theta। अब क्या करोगे बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले ले, लेके देखो R प्लस A cos थीटा माइनस ऑफ R प्लस A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इससे निपट गया। बचा क्या, B इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 pi epsilon naught 2a cos theta upon r square minus a square cos square theta। ध्यान से देखना बेटा कि कहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए ये इतना उठा रहा हूं q into 2a dipole moment, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। अब क्या होगा, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A की जगह बच्चा P, P फॉर डायपोल मूवमेंट, दिस इज P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या जो हमको निकालना था वो आया? नहीं आया ना। आप कहोगे सर जो आपने बॉक्स में लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो कुछ और है और जो आपने प्रूफ किया है वो कुछ और है, तो बच्चा अभी एक लाइन लिखने से मैच कर जाएगा। वो एक लाइन ये है, ये डायपोल इज वेरी स्मॉल, सिंस डायपोल इज वेरी स्मॉल हेंस ए कैन बी नेग्लेक्टेड, और अगर ए को नेग्लेक्ट करते हो तो ये पूरा टर्म खत्म। बचा क्या, V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब मैच कराओ जरा, किया मैच? अब कोई प्रॉब्लम? मानता हूं थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा आपको हो सकता है रिवाइंड करके वीडियो को दो बार तीन बार देखना पड़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। वीडियो आपका है, डिवाइस आपका है, आप आराम से दो बार नहीं 10 बार देखो, बट मार्क्स भी आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आता है फिर से इसको रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखने पर भी अगर प्रॉब्लम है तो हम आपसे बहुत दूर नहीं है। ठीक है, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आप आराम से कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इज दैट क्लियर? नाउ
अब एक क्वेश्चन आता है कई बच्चों के मन में कि सर वहां पे हमने एक्सेल भी किया था, वहां हमने ट्यूटोरियल भी किया था, तब हम एट एनी पॉइंट कि आप एक में निपटा रहे हैं हमको। तो बेटा ऐसा नहीं है, मैं आपको कम मेहनत करवा रहा हूं, ठीक है, जो आप ऑलरेडी चाहते हो, है ना। तो एक्सेल में क्या होता है यार, अगर हम एक्सेल पॉइंट की बात करते हैं तो एक्सेल पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है और कॉस 0 होता है 1। तो एक्सेल पे तो हमको ऑलरेडी मिल गया 1/4πε0P/r2। ठीक, अब इक्विटोरियल की बात करते हैं। इक्विटोरियल पे थीटा कितना 90 डिग्री और कॉस 90 0। मतलब अगर हम इक्विटोरियल की बात करेंगे थीटा 90 और कॉस 90 0, तो नेट पोटेंशियल भी जब 0 हुआ तो सब कुछ निपट गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। इस वजह से हमको ये काम, ये वर्किंग करने पड़ती है एट एनी पॉइंट निकाल लो, उसमें तो एक्सियल भी है, इक्विटोरियल भी है, सब कुछ है, कोई लफड़ा नहीं है, सब कुछ इजी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने यहाँ पे आज के बाद कोई टॉपिक इसलिए नहीं रखा है आज के लेक्चर में कि यार ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, अब इसके बाद में थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है कि यार हमसे ये वाला हो नहीं रहा है। तो बच्चे इस पे 2-3 बार एम्फेसाइज कीजिएगा, होगा ये हो जाएगा। आपके पास आपका नेक्स्ट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सिंपली उस पे क्लिक कीजिएगा, आपको आपका नेक्स्ट वीडियो इसके बाद का मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो में फिर से हम लोग मुलाकात करते हैं। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।